अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैध चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीवर्स, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोजीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, ये तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। सिंपली सबसे पहले मैं एडवर्टाइजमेंट पर आ जाता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म आपसे बाद में शेयर करूंगा। यहाँ पर देखें, डिपार्टमेंट का नेम मेंशन किया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि इसका कोई टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के अंदर ये जॉब्स हैं। जॉब्स जो है वो टाइटल क्या है जी, पंजाब होम बेस्ड एंड डोमेस्टिक वर्कर सर्वे। सर्वे है कोई, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है। ये पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। और यहाँ पे देखें, सूटेबल क्वालिफिकेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डेली वेज बेसिस, यानी कि इसका आपको रोजाना का मुआवजा मिलेगा। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले कहीं से इंफॉर्मेशन ली, उन्होंने मुझे बताया कि इसका जो डेली आपको मुआवजा मिलेगा वो है 3,000 रुपये। उनका कहना ये है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी इससे ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर पीरियड कितना है जी, 75 वर्किंग डेज। ठीक है, अब ये 75 वर्किंग डेज कितना, 2.5 महीनों के लिए जो है वो आपकी ये जॉब होगी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बता दूं, अब अगर 2.5 महीनों के लिए ये जॉब होती है तो आपको कितना बनेगा, कितने पैसे मिलेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर जितना उस बंदे ने मुझे बताया कि 3,000 इसका मुआवजा डेली का मिलता है, तो 3,000 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 75 डेज के साथ। ठीक है, तो 2,25,000 आपको इस जो है वो जॉब से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे मिसाल के तौर पर उसने जो है ये जो है वो 3,000 बताया, मैं कह देता हूँ ये इससे थोड़ा सा कम है, तो ये भी आप देख लें कि जो है वो आप इस 75 डेज में 2,00,000 तक जो है वो अर्न कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जॉब खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका नाम वहां पे चला जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो नेक्स्ट जब भी है तो वो आपको हायर कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं पोजीशंस के नेम। सबसे पहले पोजीशन का नाम उन्होंने बताया है फीमेल एन्यूमरेटर। अब एन्यूमरेटर क्या होता है, ये इसे अगर उर्दू तर्जमा करें तो ये शुमारकुनंदा होता है, यानी कि समझ लें कि डाटा एंट्री का काम है ये। ठीक है, 91 पोजीशंस हैं फीमेल के लिए और मेल के लिए 8 पोजीशंस हैं। ओके, किन किन इजला में हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट चल के बताता हूँ। अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो बीए बीएससी सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स के अंदर किया होगा हम उनको तरजीह देंगे, जैसे कि स्टैट, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, जेंडर स्टडी। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड जो है वो स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लीजिए, इंशाल्लाह कहीं से कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2 पे आईटी इक्विपमेंट, कंप्यूटर टैबलेट्स वगैरह जो है उसमें आप अच्छे होने चाहिए, आपको इस्तेमाल करना आते हूँ। ठीक है, फिर आपका जो है वो कहने हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एनी टैबलेट बेस्ड सर्वे स्टडी विल बी प्रेफर्ड, जिन्होंने कहीं पर कुछ सर्वे किया है मोबाइल पर या टैबलेट पर, तो उनको हम तरजीह देंगे। ठीक है, ये हो गया जी, अब ये पोजिशन है। नेक्स्ट है जी, इंटरेस्टेड जो है वो पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अपेयर इन इंटरव्यूज अलोंग विद फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कहीं पे भेजना नहीं है अब अप्लाई करने के लिए। सिंपल, उन्होंने डेट्स बता दी, आपने उन डेट्स को चले जाना, उस एप्लीकेशन को फिल भी होना चाहिए, उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होने चाहिए कॉपीज, और साथ में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, साथ में एक सेट जो है वो फोटो कॉपीज होनी चाहिए, 2 रीसेंट साइज जो है वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए। अब मैं आपके साथ शेड्यूल शेयर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले लाहौर, लाहौर के अंदर ये जॉब्स भी बताई हुई हैं उन्होंने कि लाहौर के अंदर एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए, फिर शेखुपुरा के अंदर 3, कसूर के अंदर 3 फीमेल, ठीक है, ननकाना साहब के अंदर 3 जो है वो फीमेल के लिए। ठीक है, ये लाहौर की टोटल पोजिशन है। अब उन्होंने बता दिया है ये एड्रेस है, वेन्यू है, ठीक है, जहां पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद डेट बता दिया, 5 अगस्त 2022 जुमे वाले दिन सुबह 9 से 5 बजे तक जो है इसके इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। यहां पे देखें 11 पोजीशंस हैं लाहौर के अंदर। ओके, आपने अपने जिले के एड्रेस के ऊपर जाना है। उसके बाद बहावलपुर है, बहावलपुर में 8 फीमेल के लिए ही है, यहां पर बहावलपुर वाले जो है वो मेल जो है वो हजरात अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद सरगोधा में भी जो है वो 8 फीमेल हैं।
उसके बाद डीजी खा में भी 9 फीमेल रिक्वायर्ड्स हैं, फैसलाबाद के अंदर 12 फीमेल रिक्वायर्ड हैं और 2 मेल रिक्वायर्ड हैं, मुल्तान के अंदर 9 फीमेल हैं, गुजरांवाला के अंदर 18 फीमेल हैं, 1 मेल है, रावलपिंडी में जो है वो 12 फीमेल हैं, 4 मेल रिक्वायर्ड हैं, साहिवाल के अंदर 5 फीमेल रिक्वायर्ड हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके सामने वेन्यू मेंशन है, ऐसा नहीं है कि आप मेन हेड ऑफिस लाहौर पहुंच जाएं, नहीं, यहाँ पे शेड्यूल उन्होंने बताया हुआ है कि अगर मुल्तान वाले हैं तो वो इस एड्रेस के ऊपर जाएंगे जो कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, फील्ड ऑफिस नियर सर्किट हाउस मुल्तान, 6 अगस्त को इन्होंने जाना है, इस तरह से ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया हुआ है एफ ई का मतलब है फीमेल इन्यूमरेटर, एम ई का मतलब है मेल इन्यूमरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट उन्होंने बताया और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, 20% वो कह रहे हैं सीटों को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट होंगे और साथ में ये भी बताया कि कुछ देर की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग का आपको कोई मुआवजा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ओके हो गया व्यूअर्स। और इंटरव्यू पर जाने के कोई भी सफरी अखराजात आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है वो आपको कहाँ से मिलेगा। सिंपल, अगर आप मोबाइल यूजर हैं या पीसी यूजर हैं, आपने अपने ब्राउजर में जाना है, वहां पर जाकर आपने लिखना है BOS, ये सिंपल, ये जस्ट BOS भी लिख सकते हो या BOS.GOP.PK, जैसे आप इसको सर्च करते हो तो आपके सामने जो है वो यहाँ पे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करते आना है आपने, ठीक है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे, यहाँ पे फीडबैक के साथ आपको जॉब्स का बटन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से जॉब्स पोर्टल उनका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें वॉक इन इंटरव्यूज हैं, यहाँ पे देखें, ठीक है, न्यू लिखा हुआ है। अगर इसके सामने क्लिक हियर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके अपना देख सकते हैं कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या उसका वेन्यू कहाँ पे है, उसका एड्रेस कौन सा है। अगर आप चाहें तो लाहौर वाले बहावलपुर के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं, सिरगोदा के लिए, यहाँ पे कोई ऐसी उन्होंने शर्त नहीं लगाई कि सिर्फ जो है वो लाहौर वाले ही लाहौर में अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर यही मशवरा दूंगा कि ये डेली वेज जो है वो बेसिस के ऊपर है, ठीक है, रोजाना इसमें मुआवजा मिलना है, तो कोशिश करें कि अगर लाहौर वाले हैं तो वो लाहौर में अप्लाई करें, बहावलपुर वाले बहावलपुर में अप्लाई करें, ओके हो गया। उसके बाद अगर आप TADA मैनेज कर सकते हैं तो आप किसी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने समझ लिया, एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर ली, वापस चलता हूँ। इसके सामने एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से PDF फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें ओपन हो चुका है, आपने इसको अच्छे तरीके से फिल करना है, ठीक है। आपकी पर्सनल डिटेल्स आएगी जिसे हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, आपने अपना यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऐड करना है, आपका CNAC नंबर, टेलीफोन नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपकी जो है वो तमाम डिग्रीज, यहाँ पे मैट्रिक का डाटा, FA, FSC, BA, BSc, मास्टर जो भी आपने किया हुआ है। यहाँ पर BA, BSc से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। फिर है जी एक्सपीरियंस, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है किसी टैबलेट पर सर्वे टाइप किया हुआ है तो वो आप यहाँ पर ऐड करोगे, किस डिपार्टमेंट में कितना किया हुआ है। रेफरेंसेज आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, रेफरेंसेज आपके जो है वो कोई खूनी रिश्ता नहीं होना चाहिए, बाहर से होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन से आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, कॉपी ऑफ वैलिड CNIC, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ डोमिसाइल, कॉपी ऑफ डिग्रीज, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ एनी, अगर आपके पास है। फिर आपके सिग्नेचर यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे आप डेट मेंशन कर दोगे, ठीक हो गया व्यूअर्स। तो यहाँ पर मैं आपको लोगों को बता दूं, इसको इसका आपने प्रिंट लेना है, इसको आपने फिल करना है, अपने तमाम एक सेट डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेने हैं। आपको अगेन बता दूं, यहाँ पर डायरेक्ट आपने कहीं पर नहीं भेजना, इंटरव्यू वाले दिन आपने अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को, अपने जो साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच किए कॉपीज उनको, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने उस एड्रेस पे चले जाना जो आपके जिला का बताया गया है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।